رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. جی میں اس وقت موجود ہوں فیض فیسٹیول میں. ہر سال کی طرح ایک بار پھر منعقد کیا جانے والا تین روزہ فیض فیسٹیول پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی کثیر تعداد جو یہاں پہ موجود ہے, جو کہ ڈفرینٹ اسٹالس پہ جا رہی ہے اور ڈفرینٹ سیشنز اٹینڈ کر رہی ہے. اپنی جزا لے جائیں گے اے خواب نشینوں, اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے, جب تخت گرائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیض میلہ لوگوں کو کتابوں کے قریب لانے کا اور فیض اپنی یاد میں ان کو پڑھنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے, بہترین ذریعہ ہے؟ تو کیا اس طرح یہ شوق لوگوں میں پیدا ہو سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ اس وقت آفاق زیدی صاحب ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا.
और टीवी में भी काम किया और यहाँ पे आ रही हमें मौका मिला कि आज हम उनकी जुबानी को सुन सके और उनसे बात करते हैं। ये बात सब आप बताइएगा कि पैर मेले पे आके आपको कैसा लगा और आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा और पैर मेले के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे आके कैसा लगा और कैसे इवेंट होने चाहिए और आपको कैसा फील हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत मेला है, इसमें कम से कम हम सब लोगों की गेट टुगेदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। हमारे जो जितने भी रंगीन लोग हैं, पत्रकार हैं, नॉवल निगार हैं, जितने भी शायर हैं, सब माशाल्लाह यहाँ से आते हैं, क्योंकि मेरी जो बैठक है अभी बैठक वो शायरों से बहुत ज़्यादा है और मेरे लोगों से बहुत ज़्यादा सलाम दुआ है। ना सिर्फ काफ़ी मेरे पेरेंट्स थे और उसके अलावा ये अहमद बशीर साहब, उषा सारी के वाली और नजीब साहब, अनिल कुमारी साहब, आपको पैर मेले पे आके कैसा लगता है? मुझे बहुत माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने, बल्कि आज मैं ये टाइम तब तक पूरा दिन सेलिब्रेट कर रहा हूँ। चाहूँगा कि पैसा नौजवानों की ज़िंदगी में कैसा उनके लिए इम्पोर्टेंट है और आप एज ए यूथ यहाँ पे पैसा आपको किस तरह दिखता है? आर्टिस्ट की तादाद यहाँ पे मौजूद हैं और जिनसे हमने बात की और उनसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी में फैज़ कैसे अहमियत रखता है, और बहुत से नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी में फैज़ बहुत अहमियत का हामिल है और उनकी शायरी आज भी उन्हें ज़िंदा रखा है, जिस वजह से वो इस फैज़ के फेस्टिवल पर आने के लिए मजबूर हैं।